दोस्तों आज की इस गैजेट की सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में जो कि घरों में यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो जानने के लिए तैयार हो जाइए, एक से बढ़कर एक मजेदार गैजेट होंगे इस सीरीज में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले नंबर 18 पर कौन रहता है। नंबर 18, क्रिटर कैचर। दोस्तों घर में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो अक्सर निकला ही करते हैं और बात हो बरसात के मौसम की तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा होता हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की गैजेट को, जो कि इस तरीके की कीड़े मकोड़ों को पकड़ने में आपकी मदद करेगा। इसका हैंडल दिखने में एक गन जैसा लगता है जिसमें आपको एक छोटा सा ट्रिगर दे रखा होता है और जैसे ही आप इसे दबाते हैं तो इसका आगे का सिरा पूरा तरीके से मुड़ जाता है और इसमें आप आसानी से कीड़ों को पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट बड़ा ही कमाल का रहेगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 17, रीमल वर्सा क्लीनर। दोस्तों बात हो टाइल्स या फिर ग्लासेस वगैरह की तो समय के साथ साथ उनमें पानी के दाग पड़ने लगते हैं, जिससे कि वो गंदे हो जाते हैं और उन्हें साफ करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो अगर आप इस काम को आसानी से करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जिससे कि आप आसानी से अपनी टाइल्स या फिर घर की सैनिटरी वगैरह को साफ कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों इसमें आपको काफी सारे अटैचमेंट देखने को मिल जाते हैं, जिनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके आप और भी आसानी से चीजों को साफ कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी टाइल्स या फिर ग्लासेस वगैरह काफी ज्यादा गंदे हो गए हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की गैजेट को। नंबर 16, कॉलर परफेक्ट। दोस्तों अगर आप अपने कपड़ों में प्रेस करने वाला एक ऐसा आयरन चाहते हैं जिसे कि आप अपनी पॉकेट में डालकर कहीं भी ले जा सके तो ये गैजेट कुछ ऐसा ही रहता है। दोस्तों जो नॉर्मल लाइट वेट आयरन होते हैं उनका इस्तेमाल आप घरों में तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो शायद उन्हें आप अपने साथ कैरी ना कर पाए। लेकिन ये आयरन साइज में काफी ज्यादा छोटा होता है, जिसे आप कहीं भी अपने साथ ले जा सकेंगे। इसमें मल्टीपल मोड्स दे रखे होते हैं, जिससे कि आप अलग अलग फैब्रिक के हिसाब से अलग अलग तरीके से इसे गर्म कर सकते हैं और साथ ही इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान होता है। तो अगर आप एक ऐसा छोटा सा चाहते हैं जिसे आप ट्रैवल पर्पस से इस्तेमाल कर सकें तो ये आपके लिए एकदम बेहतर रहेगा। नंबर 15, ग्लाइडर मैग्नेटिक विंडो क्लीनर। दोस्तों शीशों को साफ करना अपने आप में मुश्किल काम होता है और अगर शीशे आउटडोर में लगे हों तो और भी ज्यादा मुश्किल। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के मैग्नेटिक गैजेट को, जो कि दोनों तरफ के शीशों को साफ करने में आपकी मदद करेगा। यानी कि इससे एक ही बार में आप शीशों के अंदरी हिस्से और बाहरी हिस्से दोनों को साफ कर सकते हैं। नॉर्मल आपको इसके लिए अलग अलग मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये गैजेट आपके काम को आसान बनाता है, जिसमें आप कपड़े की मदद से आसानी से शीशों को साफ कर पाएंगे। वही दोस्तों इसका मैग्नेटिक अटैचमेंट इतना तगड़ा होता है कि मोटे से मोटे शीशे में भी आसानी से काम करेगा। तो अगर आप भी एक ऐसा क्लीनिंग पर्पस गैजेट चाहती हो जिसका इस्तेमाल आप अपने घरों में शीशे साफ करने के लिए कर पाए तो ये कमाल की चीज रहती है आपके लिए। नंबर 14, बिग स्क्यूजी। दोस्तों घरों में जब टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो हम लोग उसके ट्यूब को दबा दबा कर उससे पेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसा हम ही लोग नहीं, शायद दुनिया का हर एक व्यक्ति करता होगा। तो अगर आप इस काम को थोड़ा सा जेंटली करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की गैजेट को, जो कि आपके इस काम को थोड़ा सा आसान बना देता है। दोस्तों इसमें किसी भी साइज के ट्यूब को फंसा कर आसानी से उसका सारा पेस्ट बाहर निकाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ टूथपेस्ट में बल्कि कलर के ट्यूब्स वगैरह से कलर निकालने में भी किया जा सकता है। नंबर 13, वैगनर हीट गन। दोस्तों हीट गन के यूजर्स काफी ज्यादा ब्रॉड होते हैं। इसका इस्तेमाल लैमिनेशन करने में किया जा सकता है, ऑयल पेंटिंग बनाने में किया जा सकता है, साथ ही इसकी मदद से आप एडेंसिव मटेरियल को भी आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि कोई स्टिकर वगैरह अगर किसी चीज पर लगा हो तो इसकी मदद से आसानी से निकाला जा सकता है। तो अगर आपको भी एक ऐसी छोटी सी गन चाहिए हो जिससे कि गर्म हवा निकले तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट का। दोस्तों इसमें मल्टीपल हीट लेवल्स दे रखे होते हैं, जो कि इसे और भी ज्यादा खास बनाते हैं। साथ ही इसके साइज के कॉम्पैक्ट होने की वजह से आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 12, स्काई फ्लोट। दोस्तों अगर आप टैबलेट में रीडिंग या फिर मोबाइल फोन में मूवीज वगैरह देखने का शौक रखते हो तो ये गैजेट आपके काफी ज्यादा काम आएगा, क्योंकि लेटने के बाद आपको फोन पकड़ना पड़े तो कहीं ना कहीं हाथ थोड़े थोड़े दर्द होने लगते हैं और ऐसे फिलहाल स्टैंड मौजूद नहीं है जिनका आप इस्तेमाल कर पाए रात में सोते वक्त अपने बेड पर। तो ऐसी सिचुएशन में ये माउंट आपके काफी ज्यादा काम आता है, जिसमें आप छत पर अपने फोन को आसानी से टिका सकते हैं। इसमें आपको एक मैग्नेटिक माउंट दे रखा होता है, जिसे कि आप छत पर लगाते हैं और इसकी रॉड को माउंट से अटैच करके आसानी से आप अपना एक छोटा सा फोन स्टैंड बना सकते हैं। तो कमाल का रहता है ये गैजेट, जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। नंबर 11, साइबर क्लीन। दोस्तों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को गीले कपड़े से साफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अगर आप उसकी धूल मिट्टी को साफ करना चाहते हैं तो ये गैजेट आपके काफी ज्यादा काम आएगा। दरअसल स्लाइम जैसा दिखने वाला ये गैजेट आसानी से धूल मिट्टी को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि इससे अगर आप अपने कीबोर्ड वगैरह को साफ करते हैं तो काफी बेहतरीन तरीके से ये उन्हें साफ करेगा। तो अगर आप भी चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी कीमत भी बहुत ज्यादा कम रहती है। तो इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 10, हैंडी कैमल।
दोस्तों बोरी या फिर पैकेट वगैरह को उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप उन्हें एक बार ओपन कर देते हैं तब तो और भी काफी ज्यादा रिस्की होता है उन्हें ग्रिप करना। तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जिससे कि वो एक अच्छी तरीके से आपको ग्रिप देती है। वहीं ये पैकेट को पूरी तरीके से सील कर देता है जिसमें अगर कोई सामान आप रखते हैं तो उसमें सीलन वगैरह आने का कोई चांसेस नहीं होती। तो अगर आप भी बोरी वगैरह में काफी सारी चीजें रखते हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि सीज सामान को उठाने में आपकी मदद करता है। नंबर 9, नी ब्लेड्स। दोस्तों सिविल वर्क्स में अक्सर लोगों को घुटने पर बैठकर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं क्योंकि जिससे उन्हें अच्छी तरीके से ग्रिप मिल जाती है किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं घुटने पर बैठना बहुत ज्यादा दिक्कत भरा होता है जिससे कि आपके पैरों में चोट भी लग सकती है। तो अगर आप चाहते हैं इससे बचना तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसमें नीचे की तरफ 20 लगे होते हैं, यानी कि आप घुटनों पर बैठकर ही अगर कहीं जाना चाहते हैं तब भी ये आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा। तो सिविल वर्क से जुड़े हुए लोगों के लिए ये गैजेट काफी ज्यादा कमाल की चीज रहेगी। नंबर 8, रेफ्रिजरेटर डोर लॉक। दोस्तों हालांकि रेफ्रिजरेटर्स में डोर लॉक होता है लेकिन कहीं ना कहीं वो उतना ज्यादा सिक्योर नहीं होता क्योंकि उसे आप आसानी से किसी भी चीज से घुमा सकते हैं। तो अगर आप अपने फ्रिज को थोड़ा सा सिक्योर रखना चाहते हो लोगों से तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट का। ये एकदम ट्रेडिशनल लॉकिंग सिस्टम होता है जिसे कि आप किसी भी फ्रिज में लगा सकते हैं और इसकी चाबी भी काफी ज्यादा यूनिक होती है जिसे कि खोलना आसान बात नहीं होती। वहीं दोस्तों अगर आपका फ्रिज का मैग्नेटिक लॉक खराब हो गया हो तब भी ये आपके काफी ज्यादा काम आएगा क्योंकि इससे आसानी से आप फ्रिज को बंद कर सकते हैं। नंबर 7, गफ गन। दोस्तों स्टेज मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होता है क्योंकि बहुत सारे वायर्स और केबल्स वगैरह होती हैं जो कि स्टेज पर फैली होती हैं। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है अगर स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस वगैरह चल रही हो। तो अगर आप भी वायर्स को अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि आसानी से केबल को मैनेज करके उनके ऊपर से टेप लगा देता है जिससे कि कोई भी फंसकर उनमें उलझकर ना गिरे। तो कमाल का रहता है ये गैजेट जो कि दिखने में तो सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा। वहीं दोस्तों इस गैजेट का इस्तेमाल आप अपने कार्ड वगैरह में अलग अलग तरीके के साइन वगैरह बनाने में कर सकते हैं जो कि एक इसका कमाल का एडिशनल फीचर होता है। नंबर 6, स्किमिट्स मिटी ग्लव्स। दोस्तों सिविल वर्क्स या फिर घरों में काम करते समय काफी ज्यादा चोट वगैरह हाथ में लग जाती हैं। लेकिन अगर हम बात खास तौर पर सिविल वर्क्स की करें तो उसमें और भी ज्यादा चांसेस होते हैं चोट लगने के क्योंकि इसमें आपके हाथ में हथौड़ा लग सकता है या फिर जलती हुई आग की कोई भी चीज आके लग सकती है। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के ग्लव्स को जो कि खास तौर पर एक नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको इसमें किसी भी तरीके की नुकीली चीज लगने का डर नहीं रहता। साथ ही अगर आग वगैरह भी आपके आसपास कहीं लग जाती है तो आसानी से आप उसे हाथों से ही बुझा सकते हैं क्योंकि आग का भी कोई खास असर इन ग्लव्स पर नहीं पड़ता है। दोस्तों घरों में इनकी जरूरत तब पड़ सकती है अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो इस ग्लव्स से जलने का खतरा या फिर चाकू वगैरह लगने का खतरा अवॉइड किया जा सकता है। तो कमाल का रहता है गैजेट ये पर्सनल यूज के लिए। लू स्कूटर क्लीनिंग रोबोट। दोस्तों खिड़कियों या फिर घर में ऐसी बहुत जगह होती है जहां पर हल्के हल्के झरोखे होते हैं जिन्हें साफ करना अपने आप में एक काफी ज्यादा चुनौती भरा काम होता है। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के ऑटोमेटेड रोबोट को जो कि खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। दोस्तों इसे आप किसी भी झरोखों में डाल सकते हैं जिसके बाद ये खुद ब खुद उसे साफ करने का काम कर देगा। इसके साथ आपको एक छोटा सा रिमोट मिलता है जिसे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं साइज छोटा होने की वजह से आप आसानी से इसे कहीं भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा रोबोट जिससे कि आप छोटी मोटी नालियों वगैरह को साफ कर पाएं तो इस तरीके का गैजेट वहां भी आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाला है। नंबर 4, हाइजी कार्ड। दोस्तों कोरोना के डर से काफी सारी चीजों को छूने से हम लोग बचते हैं लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको टच करना ही पड़ जाता है। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की छोटी सी गैजेट को जो कि कहीं ना कहीं चीजों को छूने से अवॉइड करने में आपकी मदद करता है। इसमें आगे की तरफ एक छोटा सा हुक होता है जिससे कि आप किसी भी चीज को टच करके अपना काम चला सकते हैं। वहीं इसमें एक हल्का सा कट बना होता है जो कि डोर वगैरह को खोलने में आपकी मदद करेगा। साथ ही दोस्तों इस तरीके के कार्ड का इस्तेमाल आप एक बॉटल ओपनर या फिर कैन ओपनर के तौर पर भी कर पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ चीजों को अवॉइड करना इस कोरोना के मौसम में तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। नंबर 3, शॉक डॉक। दोस्तों सॉक्स यानी कि मोजो को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के डॉक का जिसमें आप अलग अलग पेयर करके मोजो को लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों ये गैजेट पूरी तरीके से वॉशेबल होता है जिससे कि आप धुलाई करते समय में भी इस डॉक में आप अपने मोजो को लगे रहने दे सकते हैं जो कि एक कमाल की बात रहती है। तो अगर आप भी चाहते हैं मोजो को एकदम व्यवस्थित ढंग से रखना तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। नंबर 2, ड्रीम फॉर्म टैपी। दोस्तों वाटर टैप से पानी के निकलने का फ्लो नीचे की तरफ होता है लेकिन अगर आप इसे रिवर्ट यानी कि ऊपर की तरफ करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप मुंह में हल्का सा पानी लेकर कुल्ला करना चाहते हो तो आपको पानी का फ्लो ऊपर की तरफ चाहिए होता है। तो चाहे तो आप इस गैजेट को ट्राई करके ये काम आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इसके निचले सिरे को बंद करना होगा और पानी ऊपर से निकलना शुरू हो जाता है। बेहद सिंपल सा गैजेट होता है लेकिन काफी ज्यादा जुगाड़ू गैजेट भी आप इसे कह सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने देखिए एक से बढ़कर एक ऐसे गैजेट जिनका इस्तेमाल आप घरों में कर सकते हैं, लेकिन बात नंबर वन की हो रही हो तो कुछ खास तो होना ही चाहिए। लेकिन उसे दिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वही वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करके इनकरेज जरूर करिएगा। वही अगर आप वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को खरीदना चाहते हैं या फिर प्राइस की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि नंबर वन पर कौन रहता है। नंबर वन, टब शुरू। दोस्तों अक्सर आपने बेसिन या फिर सिंक वगैरह में देखा होगा कि हल्का फुल्का कूड़ा या फिर बाल वगैरह उसमें जाम हो जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस गैजेट को, जो कि कहीं ना कहीं कूड़ा करकट आपकी नालियों में जाने से रोकता है। ये गैजेट देखने में भले ही थोड़ा सा सिंपल क्यों ना लग रहा हो, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके घरों के लिए। तो अगर आप इस सस्ते से गैजेट का इस्तेमाल करके अपने ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक होने से बचा सकते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इसका यूज जरूर करना चाहिए। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।